नमस्ते करी महासम्मान योजना 2023 भारत सरकार ने शुरू की नई योजना। किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते करी महासम्मान योजना 2023 भारत सरकार ने शुरू की नई योजना। किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। मुंबई सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी योजना चला रखी है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। इन योजनाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय योजना पीएम किसान योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इससे मिलने वाला पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। इस योजना में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एक केंद्र सरकार की योजना है जो अधिकांश राज्यों में लागू की गई है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचा रही है। इसके लिए राज्य सरकारें कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने राज्य किसानों के लिए पीएम किसान योजना की तर्ज पर एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाले 6,000 रुपए से अलग होंगे। इस तरह महाराष्ट्र राज्य के किसान को अब हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कौन सी है यह योजना? महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही जारी किए गए अपने बजट 2023 में किसानों के लिए पीएम किसान योजना की तर्ज पर एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम नमो शेतकारी महासम्मान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को अब हर साल 6,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ये राशि पीएम किसान योजना की राशि से अलग होगी। इस तरह अब राज्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से कुल 12,000 रुपए की राशि बतौर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा अन्य 6,000 रुपए की धनराशि हर साल मिलेगी। इस योजना से राज्य करीब 1.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस योजना के लिए राज्य पर 6,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। किसे मिलेगा नमो शेतकारी मां सम्मान योजना का लाभ? पीएम किसान योजना का लाभ महाराष्ट्र के किसानों को मिल रहा है। अब राज्य सरकार भी किसानों को नई योजना के तहत लाभ प्रदान कर रही है। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नमो शेतकारी मां सम्मान योजना की घोषणा की है, उसी तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चल रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपए मिलते है। इस तरह मध्य प्रदेश के किसान को केंद्र और राज्य सरकार से कुल मिलाकर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसान को लाभ शुरू की गई नमो शेतकारी मां सम्मान योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसान को 6,000 रुपए हर साल यानी अब महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कितने किसानों को मिली पीएम किसान योजना की 13 किस्त? केंद्र सरकार की ओर से 27 फरवरी को पीएम किसान योजना की 13 किस्त जारी की गई थी। इस योजना के तहत देश के करीब 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। नमो शेतकारी मां सम्मान योजना महाराष्ट्र 2023 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।